टाइट हो गया थोड़ा, बहुत ऐसे टाइट हो रहा है। क्या हुआ? नहीं है, रेंट पे देते। अच्छा, इस टाइप में कुछ चलेगा। रिलेटेड टू नेपाल कल्चर ऑल, यहाँ पे जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है अभी। जैसे ये जो 2020 है, ये अपने उधर 5 रुपए में मिलता है, यहाँ पे 10 रुपए का है। I can walk 0.5 किलोमीटर। दादा बात, यू हैव टू कैरी मी। अबे चलो यहीं का हमारा एक प्रोग्राम है ना, उसके लिए हम लोगों को कुछ जैकेट और ट्रैक पैंट वगैरह लेना होगा। तो हम लोग पूछने को आए हैं कि अगर हम लोग रेंट आउट करते हैं तो क्या रेट होगा। ये एक जैकेट दिया है मेरे साइज का, देखता हूँ अभी कैसा है। बहुत गर्म है भाई। नहीं आएगा, नहीं आएगा। टाइट हो गया थोड़ा, टाइट हो रहा है। तो यहाँ तो बात नहीं बनी, अब जाते हैं दूसरी दुकान में, चेक करते हैं। रेंट पे भी है जैकेट्स? रेंट पे नहीं है। यार ये रेंट पे तो कहीं नहीं मिल रहा है अभी। एक जगह है, वहीं से लेना पड़ेगा। क्या हुआ? नहीं है, नहीं है, रेंट पे देते। अच्छा हाँ, ये एरिया महंगा है। ये देखो यहाँ पे कुछ देखना है। एक सोवेनियर तो मेरे को भी लेना है। हाँ हाँ, हैवी नहीं लेना है, छोटा मोटा ऐसे टाइप में कुछ चले, ठीक है ऐसे ना, इस टाइप में कुछ चलेगा। ऐसे भी देख सकते हैं छोटा में ना। जस्ट एन आइडिया, हाउ मच इज दिस फॉर, आई मीन दिस काइंड ऑफ की चेन्स? डिफरेंट प्राइस ऑल दिस मनी अराउंड 53 स्टार्ट फ्रॉम दिस। हम नेपाल दिस, एनी सिग्निफिकेंट रिलेटेड टू नेपाल कल्चर ऑल? यस, हैव अ मंथ वाइज सम लक्की सिंबल्स डिफरेंट। ओह, is this the same thing which we can see outside of temples? Yes, yes, exactly same. Exact the same, yeah. Thing, right? This one has the bigger size, that one is smaller, okay. But it's cute. So they keep a lot of like 7-8 around, yes. Bells, and yes, we need to just move. Yeah, around the clockway, it's the same thing. Okay. थैंक यू। ओके, सो अभी यहाँ पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आया हूँ, सुपरमार्केट, जहाँ पे मैं सामान देख रहा हूँ एक्चुअली। हाँ है ना, किंडर जॉय है। ओके, इंडियन रुपीज़ में दिया है 45 रुपीज़, यहाँ पे 115 हो जाएगा। मेरे ख्याल से नॉर्मल कन्वर्जन में ही है, इंडिया से सामान आया है तो जैसे ये इंडिया से ही आया रहेगा। ये भी इंडियन रुपीज़ रेट लिखा हुआ है यहाँ पे 60, और MRP 60, और देन उसको कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे 70 में। अच्छा,
जैसे मैक्विटीज आ गया, ये सब मेरे को लगता है ऊपर यहाँ पे सभी पे रेट लिखा हुआ है, 310 है, 250 है, तो इंडियन एमआरपी के ऊपर इनका कन्वर्जन टैग लगा हुआ है सब पे। सपोज अभी ये पार्ले का हाइड एंड सीक है 50 रुपीज़ एमआरपी, ये नेपाल करेंसी 50 रुपीज़ है, ये एनसी लिखा हुआ है, एमआरपी एनसी, एमआरपी एनसी 50। ₹5 का है तो यहाँ पे लिखा हुआ है ₹10, ये तो यहाँ का ही बनाया हुआ है 10 रुपीज़। जैसे ये जो 2020 है ये अपने उधर ₹5 में मिलता है, यहाँ पे ₹10 का है, ₹100 लिखा है 100 और यहाँ पे लिखा है 190। कोई सामान पे कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, कोई सामान में इनका खुद का जहाँ पे यहाँ ही पे बनता होगा तो उसका ही रेट लगा हुआ है। रेट्स कंपेयर करने के बाद ये तो समझ आ गया कि भाई नेपाल इंडिया से सस्ता तो नहीं है, जो बिस्किट इंडिया में 5 रुपीज़ का है वो यहाँ 10 रुपीज़ का आता है, जबकि 1.6 के कन्वर्जन के हिसाब से 8 रुपीज़ होना चाहिए। थैंक यू। मिलता तो सब कुछ है यहाँ पे ना दादा, जैसे अभी आप अभी ये एरिया में आएगा तो अपने को जूस वूस मिल गया, पानी पूरी है, समोसा है, चाट है, है तो सब कुछ यहाँ पे। मैं बोला था ना, हाँ पिल्ला के वक्त करोलबाग या नरिमन पॉइंट से। यहाँ पे बहुत सारे सोविनियर शॉप देख रहा हूँ मैं कब से, सोविनियर शॉप है, शॉल्स के शॉप है, मोबाइल का सिम ढूंढ रहे हैं हम लोग, ये दुकान वाले ने बोला तो मिलेगा करके, पूछ के देखते हैं ना यहाँ पे एक, वहाँ वो दे दीजिए ना एनसेल वाला, एनसेल वाला सिम चाहिए। हाँ कितने का है सिम? नेट भी करा देंगे साथ में, हो जाएगा ₹300। ये सिम का मिलेगा आपको, डाटा चाहिए था, डाटा चाहिए मेन, तो वही डाटा मेन है, डाटा चाहिए था, कितना होगा टोटल बता दीजिए, कैसा कैसा है कुछ बताएंगे तो समझेगा। 20 GB का कितना दिन चलेगा? हम 6-7 दिन के लिए हैं यहाँ पे, तो 5 GB का उसका कितना होगा? 300 और डेटा 200-500 और टॉक टाइम भी आ जाता है उसमें, ठीक है कर दीजिए ना। ₹300 कार्ड का है, ₹200 जो है नेट का है। दीदी कितना बताया आपने, 200 में कितना जीबी मिलेगा? 5 GB मिलेगा, इनफ हो जाएगा 6-7 दिन के लिए मेरे ख्याल से। ओके नेटवर्क आ गया है और उसमें लिखा है यू हैव एक्टिवेटेड 5 GB वैलिड फॉर 7 डेज, फ्री 1 GB नाइट 11 PM टू मॉर्निंग 7 AM, 1 GB मिल जाएगा नाइट में, अच्छा है। और टॉक टाइम कितने का करेंगे? आपको आपका मर्जी है, नहीं, मतलब 1 मिनट का ₹2 काटेगा है नेपाल में, बाहर फोन करना है तो 1 मिनट का ₹3 काटेगा। अच्छा है इधर का एम्बियंस वगैरह, अच्छा है ना? हाँ मतलब जो एकदम पार्टी टाइप के लोग हैं ना उन लोगों के लिए मज़ा है यहाँ पे, गोवा वाला भाई। हाँ कोरियन रेस्टोरेंट है सामने, फोक स्टेशन, टिबेटियन शॉप है सामने, टैटू वगैरह का शॉप है, सोवेनियर्स लेना हो तो उसके लिए शॉप है यहाँ पे, ऐसे जैकेट्स के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा शॉप्स है, रेंट पे भी ले सकते हैं, अभी हमने जस्ट लिया रेंट पे, बुक शॉप है, ये सब भी है ना खाने पीने का, तो ये सब फॉरेनर लोगों का ही है एक्चुअली, इंडियंस लोग इतना यहाँ पे, इंडियन मतलब अपना देसी लोग नहीं घुसेंगे यहाँ पे कोई, ये सब इन लोग के लिए ठीक है, ये सब गोवा जैसा ही है इनके लिए। तो भाई ये जो स्ट्रीट है ये पोखरा का
लेक साइड का पैरेलल रोड है जो हैपनिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, रेस्टोरेंट से लेके जितना भी जो भी है, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दिस रोड। मिनी गोवा है, मिनी गोवा। और हम लोग जा रहे हैं खाने को, टाइम हो गया है 11:15 और दिखाते हैं कि आज का हमारा डिनर क्या होगा। मोस्टली हम लोग पिज़्ज़ा खाने को जा रहे हैं क्योंकि इतना भूख है नहीं, क्योंकि ऊपर से हमारा लंच भी बहुत लेट हुआ था। देखो पूरा सन्नाटा हो गया, सब बंद हो गया है। चालू है, चालू है, दुकानें बंद हुई है, खाने का सब चालू रहेगा। कितने बजे तक ओपन रहेगा? रात को 2 बजे तक रहेगा, क्या बोलते हैं? इंडियन पिज़्ज़ा विज़्ज़ा सब मिलेगा, तुमको मैं पूछ के आता हूँ। दादा यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर इफ़ यू वांट टू ईट, बट इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर सम मोर दिस होटल विल बी ओपन टिल 2:00 इन द नाइट। पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा। हाँ यहाँ पे और बहुत हैं जो बहुत लेट लेट चलते हैं। हाँ इसके बोलो ना, एक बार चक्कर लगा देते हैं ना, 2 बजे तक भी है। देखो आई कैन वॉक 0.5 किलोमीटर। दादा ये आपके करीबी चलो यहीं चलो, मेरा बहुत एक्सपीरियंस हो गया, माय ट्रिप इज हर्टिंग, 0.5 किलोमीटर आई कैन कैरी माय फ्रेंड, उसके बाद इट्स अप टू यू। इसके ऊपर कैमरा और ये पुष्पा मारा है तो पुष्पा ये फ्राइड राइस आ गया है, अभी फ्राइड राइस खा रहा हूँ और इनका चल रहा है यहाँ पे पिज्ज़ा वगैरह। फ्राइड राइस के बाद में नूडल्स आएगा, नूडल्स भी दिखाऊंगा आपको आज रात को। बहुत लेट हो गया एक्चुअली ना, 12:30 हो गया। ओके ये आ गया अभी अपना नूडल्स, डिफरेंट है थोड़ा, मोटा वाला नूडल्स है, इसको क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है अभी ये डुंगा रेस्टोरेंट बाहर से हम लोग खा के आ रहे, इतना वियर्ड बिहेवियर था, इतना रूडली एटीट्यूड, गुस्से में देखना अजीब सा था एकदम। स्पेशली एक लड़का था जिसका बिहेवियर तो मुझे नहीं अच्छा लगा, तो रियली डिसअपॉइंटेड कि मतलब आप कुछ ऑर्डर करो और आपको रूडली बात करे, रूडली देखे। 2 बजे तक रात में उनका चालू रहने का टाइम है अगर, तो उनको 2 बजे तक काम करना चाहिए, बट अभी इनको 2 बजे तक काम करने को तकलीफ हो रहा है। ऑर्डर दे रहे हैं ना हम लोग, तो इनको लग रहा है कि हम काम करा रहे हैं इनसे, तो काम करा रहे तो काम तो करना ही है। छोड़ो नहीं अच्छा लगा, अभी जाते हैं रूम में सोते हैं, कल बहुत स्पेशल डे है। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज़ शेयर करो। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा बहुत मज़ा आने वाला है, फुल एडवेंचरस वीडियो होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।